बिहार में कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तीसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तीसरे चरण के लिए आज कई नेताओं की रैलियां हैं। एनडीए के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कई जनसभाएं हैं। तीसरे चरण के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल सभी पार्टियों ने रैलियां की, तो इसलिए रैलियों का रविवार रहा। लेकिन इन चुनावों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रैली और जनसभाओं का रिकॉर्ड ही बनाते जा रहे हैं। दूसरे चरण में तेजस्वी खुद भी उम्मीदवार हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार आरजेडी बिहार में सरकार बना रही है। बिहार चुनाव पर और क्या है तेजस्वी की राय, सुनिए जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। बिहार में चुनावी पारा गर्म है और हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्योंकि आपने एक रोजगार का मुद्दा उठाया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि तेजस्वी यादव खुद अपना बेरोजगारी खत्म करना चाह रहे हैं और लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं 10 लाख का, ऐसा असंभव है। देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं कहने को, इनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। 15 साल में इन्होंने क्या किया, और हम जो कह रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं, नौकरी रोजगार में अंतर होता है। 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं और ये सच होने वाला है। कैसे? 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, खाली हैं, वो आप भी आंकड़ा देख सकते हैं, विजिबल है, कहीं भी मिल जाएगा। शिक्षा डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का 60% वैकेंट खाली हैं, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट्स में जो संख्या बल होनी चाहिए वो नहीं है। 4.5 लाख ये 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने में, मतलब आप जितनी आबादी है उसी हिसाब से डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, क्लर्क होने चाहिए जो सपोर्टिंग स्टाफ्स में हैं, प्यून होना चाहिए, चपरासी होना चाहिए। इसी हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, लोग जो है नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, लेकिन उनका कहना है कि चलिए शांति तो है, जो पुराने लोग जो राज देख चुके हैं, तो खासकर सवर्णों की अगर बात करें, जो आपसे बितका हुआ है कि भाई पुराना राज तो नहीं आएगा, तो क्या गारंटी आप देते हैं? जितने स्वर्णों को लालू जी ने सम्मान दिया, जितने मंत्रिमंडल में रहे, आज है क्या? आप देखिए, प्रोपेगेंडा एक चलाया गया, परसेप्शन जो है वो किया गया। अगर जंगल राज है तो आप आंकड़ों पे बात कीजिएगा ना। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि नीतीश जी और बीजेपी के शासनकाल में अपराध बढ़े हैं। क्या अभी हत्या नहीं हो रही है, रेप नहीं हो रहा, लूट नहीं हो रहा? एक सवाल ये भी है, चिराग पासवान को लेकर सवाल उठाते हैं कि अगर स्थितियां फंसती हैं, हंग असेंबली जैसा कुछ होता है, तो आप और चिराग साथ में आ जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव बिहार में पहली बार हो रहा है तेजस्वी की, एक सीनियर और जूनियर, ये भी एक लड़ाई है। ये ऐसी बातें की जा रही हैं लेकिन कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि चिराग जी ने स्पष्ट जो है ये कह दिया है वो मोदी जी के हनुमान हैं। और ये भी कहा है चिराग जी ने कि अगर कोई सोच रहा हो कि आरजेडी के साथ जाएंगे तो ये भूल है उनकी, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो कोई चर्चा की इस पर हमको नहीं लगता हमको कुछ ज़्यादा बोलना है। पहले चरण का मतदान हुआ है, अब 2 चरण और बचा हुआ है, क्या आप आकलन किया है? नहीं, हम जीत रहे हैं कम्फर्टेबल मेजोरिटी में, कम्फर्टेबली हम आ रहे हैं, बहुमत हम आराम से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जनता आक्रोश में है मौजूदा सरकार से, डबल इंजन की, और खास तौर पर नीतीश कुमार जी से तो नफरत लोग करने लगे हैं। 9 नवंबर को आपका जन्मदिन है, पहले ही आपको बधाई देते हैं, और 9 तारीख को लालू जी का बेल पे भी सुनवाई है, 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी बर्थडे गिफ्ट में देगी? अब देखिए, मुख्यमंत्री बनना उद्देश्य होता तो हम भी अपने विचार और सिद्धांत का त्याग करके नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है
और इस चुनाव को मैं चुनाव के रूप में नहीं देख रहा बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन के रूप में देख रहा हूँ। हमारे जो समस्या है उसको समाधान करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपने प्यार और आशीर्वाद मुझको देगी। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी यादव, जो उनका कहना है कि 10 तारीख को जब बिहार के नतीजे आएंगे तो स्पष्ट बहुमत जनता देने जा रही है और एक तरीके से 9 तारीख को इनका जन्मदिन भी है, तो इनका कहना है कि जो बर्थडे गिफ्ट है वो जनता ज़रूर से देगी। कैमरामैन कुमार गंधर्व के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.